विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अंबेडकर की ओर से जय भीम नमो बुद्धाय। आज मैं आप लोगों के सामने एक महत्वपूर्ण खबर लेकर आया हूं। दरअसल ये खबर बताने का काम मीडिया का था, लेकिन मीडिया अपना काम नहीं कर रहा, वो मोदी जी के गोद में बैठा हुआ है और इसलिए इस गोदी मीडिया से ये होने वाला नहीं है, इसलिए ये खबर मैं आप लोगों के सामने मुझे लेकर आनी पड़ रही है। ये खबर है, दो दिन पहले टाइम्स मैगजीन, आप सभी लोग जानते हैं कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी मैगजीन टाइम्स मैगजीन है, इस मैगजीन में विश्व के 100 सबसे शक्तिशाली इन्फ्लुएंशियल प्रभावशाली व्यक्तियों के सूची में नरेंद्र मोदी जी का नाम उसमें आया है। ये खबर भारत के सभी पेपर्स में, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन टाइम्स, सभी न्यूज़पेपर पे, सभी न्यूज चैनल पे ये खबर चलाई गई कि नरेंद्र मोदी जी का नाम टाइम्स मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में उनका नाम आया है, विश्व के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में उनका नाम दर्ज हुआ है। लेकिन इसी गोदी मीडिया ने नरेंद्र मोदी जी के बारे में टाइम्स मैगजीन में क्या लिखा है और किन वजह से नरेंद्र मोदी जी का नाम इस टाइम मैगजीन में आया है, ये उन्होंने नहीं बताया। सभी मीडिया की रिपोर्ट्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस तरह से मीडिया भारत में बता रहा है, मोदी का गुणगान कर रहा है कि मोदी जी का नाम टाइम्स मैगजीन में आया है और वो भी दुनिया के 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में। लेकिन वो टाइम्स मैगजीन में किस वजह से उनका नाम आया है ये बताने को तैयार नहीं है, और इसलिए वो क्या वजह है जिस वजह से मोदी जी का नाम टाइम्स मैगजीन के 100 दुनिया के 100 प्रभावशाली व्यक्तियों में उनका उल्लेख किया गया है, वो वजह क्या है, वो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं, जो टाइम्स मैगजीन में इंग्लिश में लिखा हुआ है। आप स्क्रीन पर ये ड्राफ्ट देख सकते हो जो टाइम्स मैगजीन में छपा हुआ है। ये भारत के लोगों को आसान शब्दों में समझाने के लिए मैं इसको हिंदी में अनुवाद कर रहा हूं। ये टेक्स्ट कहता है, ये जो सारा लिखा हुआ है वो कहता है कि लोकतंत्र की चाबी, लोकतंत्र की कीज, लोकतंत्र की चाबी हकीकत में मुक्त चुनाव में नहीं होती, फ्री इलेक्शन में नहीं होती। जिन लोगों को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो यही कहते हैं, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात होती है उन लोगों के अधिकार जिन्होंने जीतने वाले पार्टी को वोट नहीं दिए हैं। पिछले 7 दशकों में भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश रहा है। इनकी आबादी, भारत की आबादी 130 करोड़ से भी ज्यादा लोग यहां पर रहते हैं, जिसमें क्रिश्चियन, मुस्लिम, सिख, बौद्ध और अन्य धार्मिक पंथ के लोग शामिल है। दलाई लामा, जिन्होंने अपने जीवन के कई साल यहां पर आश्रय लिया है, वो भारत की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि सभी लोग भारत में रहते हैं, ये समता, सामंजस्य, मजबूती और स्थिरता का एक उत्तम उदाहरण है। नरेंद्र मोदी ने इन सब को संदेह में डाल दिया है। हालांकि भारत के करीब करीब सभी प्रधानमंत्री 80% आबादी वाले हिंदुओं में से है, लेकिन मोदी इनका शासन ऐसा है जैसे अन्य समुदायों के प्रति उनका कोई लेना देना है ही नहीं। पहले वो सशक्तिकरण के लुभाने वाले वादों के ऊपर चुनाव जीते, उनकी हिंदू राष्ट्रवाद वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने न केवल सामाजिक उत्कृष्टता को नकारा बल्कि बहुजन एकता को भी उन्होंने ठुकराया है। विशेषता भारत के मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। महामारी की इन घड़ियों में दम घोटने वाले मतभेद खुली ओर से दर्शाए जा रहे हैं। विश्व का सबसे जीवित लोकतंत्र गहरी खाई में गिर रहा है। नरेंद्र मोदी जी के लिए टाइम्स मैगजीन ने इस तरह का उल्लेख वहां पर किया है। कोई भी भारत का मीडिया, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, द हिंदू हो, इकोनॉमिक टाइम्स हो, टीवी मीडिया आज तक हो, जी न्यूज हो, रिपब्लिक टीवी हो, कोई भी ये टेक्स्ट आप लोगों के सामने नहीं लेकर आएगा। और इसलिए मैंने सोचा कि ये बातें लोगों को, भारत के लोगों को
और भारत के बाहर बैठे हुए सभी लोगों को बतानी जरूरी है, और इसलिए आज मैं ये खबर आपकी ओर लेकर आ रहा हूं। और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का उल्लेख वहां पर नहीं है, इन 100 प्रभावशाली व्यक्तियों में राष्ट्रीय दादी, जिनको हम राष्ट्रीय दादी के नाम से जानते हैं, मुझे उनका नाम पता नहीं था, टाइम्स मैगजीन की वजह से उनका नाम पता चल गया, जिनके साथ मैंने कई बार स्टेज साझा किया हुआ है। ये कलकत्ता का फोटो, सीए के विरोध में हम लोग जो विरोध दर्शा रहे थे वहां का है। दादी जी का भी उल्लेख यहां पर है, 80 साल से भी ऊपर दादी, उनका उल्लेख किया गया है कि आपने खून के आखिरी कतरे तक भारत के संविधान को और भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए वो ये लगाएंगी, और इसलिए दादी का उल्लेख भी प्रभावशाली व्यक्तियों में हुआ है। ये सिर्फ दादी का उल्लेख नहीं है, ये हर उस व्यक्ति का उल्लेख इस टाइम्स मैगजीन में यहां पर है जो लोकतंत्र को बचाने की इस मुहिम में जुड़ा हुआ है। सीए हो, एनआरसी हो, एनपीआर हो, लोकतंत्र के संविधान को बचाने की बात हो, ये हर उस व्यक्ति का गौरव टाइम्स मैगजीन में हुआ है। प्रधानमंत्री का इस टाइम्स मैगजीन में जो गौरव आप लोग कह सकते हो, मोदी भक्त कह सकते हैं, मोदी भक्तों ने तो पिछले बार भी जब टाइम्स मैगजीन में, जैसे आप यहां देख रहे हो, डिवाइडर इन चीफ जब उनको बताया गया, डिवाइडर का मतलब भी इनको पता नहीं होता, इन्होंने कई सारे बैनर लगा दिए कि मोदी जी का अभिनंदन की टाइम्स मैगजीन में उनका उल्लेख, डिवाइडर इन चीफ हुआ है। डिवाइडर का मतलब होता है जो भारत का विभाजन करने के ऊपर तुला हुआ है, ऐसा विभाजक, जो मुख्य विभाजक है भारत का, ऐसा मोदी जी का उल्लेख टाइम्स मैगजीन में हुआ था। तो ये अभी मोदी जी का गौरव कर रहे हैं कि मोदी जी का उल्लेख टाइम्स मैगजीन में हुआ है। दरअसल मोदी जी भारत की बदनामी पूरे विदेशों में कर रहे हैं, ये देश के लिए एक बहुत बड़ा घातक इंसान साबित हो रहे हैं, और वहीं पर हम जो भारत के लोकतंत्र को बचाने की मुहिम कर रहे हैं, भारत का मीडिया हमको कहीं नहीं बताता, कहीं हम लोगों को नहीं बताता, बल्कि इंडिया टीवी मुझे देशद्रोही कहता है, मुझे पाकिस्तान चले जाना चाहिए, ऐसा उन्होंने खबर चलवाई थी जब मैंने ये बात कही थी कि आरएसएस ये आतंकवादी संगठन है। ये जब मैंने बात कही थी तब उन्होंने मेरे खिलाफ इस तरह का मुहिम शुरू कर दिया था, लेकिन आज टाइम्स मैगजीन जैसी मैगजीन हमारे इन आंदोलनों को गौरव कर रहा है, उसके लिए मैं टाइम्स मैगजीन का धन्यवाद देता हूं। और ये बात जो आपको भारत का मीडिया नहीं बताएगा, ये मैं आपके सामने ला रहा हूं। आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।